मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं कि जब जब मैंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी तो मुझे सिर्फ एक इंसान का मैसेज आया जिनके साथ मैंने खेला हुआ है पहले, वो है एमएस धोनी। और बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है और मतलब टीवी पे बहुत लोग सजेशंस देते हैं, टीवी पे बहुत लोगों के पास बोलने के लिए होता है, बट जिनके पास मेरा नंबर है किसी का और मैसेज नहीं आया। तो एक रिस्पेक्ट, एक जो एक कनेक्शन होता है किसी के साथ, वो जब जेन्यून होता है तो वो इस तरीके से दिखता है, क्योंकि दोनों तरफ सिक्योरिटी होती है, ना उनको मुझसे कुछ चाहिए ना मुझे उनसे कुछ चाहिए, और ना मैं उनसे कभी इनसिक्योर था ना वो मुझसे इनसिक्योर था। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं अगर किसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं तो मैं उसको इंडिविजुअली रीच आउट करता हूं। अगर आपको हेल्प भी करनी है किसी की, मतलब आप सजेशन पूरी दुनिया के आगे देंगे तो फिर उसकी वैल्यू मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मेरे लिए वो मतलब की चीज है, मेरी इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप वन ऑन वन भी बात कर सकते हैं कि यार आई जेन्यूनली वॉन्ट की आप अच्छा करो। तो वो समाओ मैं तो अपनी लाइफ बहुत ऑनेस्टी से जीता हूं तो मुझे ये चीजें दिखती हैं। तो ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको सच्चाई दिखती है, बस मैं उतना ही बोल सकता हूं कि आप जब इतने समय तक खेलते हो, आप ऑनेस्टी से खेलते हो, देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और मैं उससे आगे कुछ नहीं हो सकता। बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना है तभी देना है, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में। तो मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही जीता हूं, और जब तक खेल रहा हूं, जब तक मैं यहां पे खेलने की वर्दी हूं, मैं ऐसे ही खेल रहा हूं।